अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय गुरुदेव। युग वशिष्ठ के चौथे एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा प्रभु रामचंद्र जी गुरुकुल से अध्ययन करके आने के बाद पिता दशरथ से ये पूछते हैं कि वो तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं और वो चले भी जाते हैं। उसके आगे जब वो लौट के आए महर्षि वाल्मीकि जी का कथन चल रहा है और उन्होंने कहा उनके आने के उपरांत 8 दिनों तक अयोध्या में उत्सव मनाया गया। गुरुकुल का अध्ययन समाप्त हो चुका था और उसके बाद प्रभु रामचंद्र जी अपने भाइयों के साथ तीर्थ यात्रा भी कर अपने अनुभव को मजबूत करके आए थे। लेकिन जैसे वो तीर्थ यात्रा से लौट कर आ गए उनके जीवन में कुछ तो बदलाव आ गया था। शुरुआत में कुछ दिन तो वो अपने सारे धार्मिक कार्य अच्छे से कर रहे थे, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते ऐसे पाया गया कि प्रभु रामचंद्र जी अपने नित्य कर्म भी करने को लेकर ज्यादा उत्साहित नहीं है। वो आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होते जा रहे हैं, उनका चेहरा पीला पड़ता जा रहा है। ये सारा देखकर राजा दशरथ भी चिंतित होने लगे। जब भी राजा दशरथ उनको पूछते थे कि क्या परेशानी है, वो मुस्कुराकर सिर्फ इतना कह देते थे, नहीं सब कुछ ठीक है। ये चलता रहा, राजा दशरथ की चिंताएं बढ़ती रही। एक दिन उन्होंने इस चिंता को लेकर महर्षि वशिष्ठ जी से पूछा, क्या कारण हो सकता है कि रामचंद्र जी ऐसा व्यवहार कर रहे हैं? तब महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, संसार में कोई भी बड़ा परिवर्तन ऐसे ही नहीं होता, उसका कोई ना कोई कारण होता है। कोई भी बदलाव जो जीवन में संसार में होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। ये महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, किसी महापुरुष के व्यवहार में क्रोध, विषाद और हर्ष बिना किसी उपयुक्त कारण के प्रकट नहीं होते। उन्होंने कहा, जरूर कोई कारण है, वरना कोई भी महापुरुष ऐसे ही खुश नहीं होता, ऐसे ही विषाद नहीं मनाता, दुख नहीं मनाता। तो हे दशरथ राजा, रामचंद्र जी के जीवन में भी जरूर कोई कारण है और उचित समय आने पर वो उसको बयां भी करेंगे। महर्षि वशिष्ठ जी का ये विश्लेषण सुनकर राजा दशरथ शांत हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में ये चिंता जरूर सता रही थी कि प्रभु रामचंद्र जी के जीवन में क्या हो रहा है। ऐसा माना जाता है ये जो सारा स्थिति है प्रभु रामचंद्र जी का, उसको वैराग्य प्रकरण कहा गया है। ये प्रभु रामचंद्र जी के जीवन की शुरुआत की स्थिति को दर्शाता है जिसमें कहीं ना कहीं प्रभु रामचंद्र जी को वैराग्य का अनुभव होने लगा था। ये प्रभु रामचंद्र जी की जीवन की स्थिति जब चल ही रही थी उसी समय एक दिन विश्वामित्र महर्षि का आगमन दशरथ राजा के सभा में हुआ। जैसे ही विश्वामित्र जी ऋषि पधारे, राजा दशरथ जी ने उठकर उन्हें प्रणिपात किया, उनको अपना
सिंहासन दिया। वहां पर बिठाकर उनके पैरों में नतमस्तक होकर राजा दशरथ ने कहा, आज का दिन हमारे लिए बहुत ही भाग्यशाली है। अनादि काल से हमारे यहाँ पे ये संस्कृति रही है, जब भी घर में कोई साधु संत आते हैं, वही दिवाली समान दिन मनाया जाता है। उसी प्रकार विश्वामित्र जी को सिंहासन पर आरूढ़ करके राजा दशरथ ने उनको कहा, हे महर्षि, आपने हम पर बहुत उपकार किए कि स्वयं आकर हमें दर्शन दिए। आपके मन में अगर कोई इच्छा है तो कृपया बताइए और ऐसे मानिए कि जैसे आपकी ये इच्छा पूर्ण हो चुकी है। ये सुनकर विश्वामित्र ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हाँ राजा दशरथ, मैं तुम्हारे पास जो आया हूं उसके पीछे कुछ तो कारण है। तुम्हारा ये आदर तिथ्य देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूं। जहां वशिष्ठ महर्षि जैसे लोग हैं, उस राज्यसभा में मैं ऐसी ही आशा करता हूं जो आपने अभी किया है। मैं बताता हूं मैं किस नियोजन से आपके पास आया हूं। दोस्तों, अगले एपिसोड में देखते हैं महर्षि विश्वामित्र क्या इच्छा लेकर राजा दशरथ के पास आए थे। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में मिलते हैं। जय गुरुदेव। अगर आपके मन में कुछ सवाल है वीडियो को लेकर तो जरूर नीचे कमेंट सेशन में आप अपने प्रश्न डाल सकते हैं, जिसके ऊपर आने वाले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे। और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें।